हेलो एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं ककोरे की सब्जी, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है और हेल्दी होने के साथ साथ ये उतनी ही टेस्टी बनती है। आप इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे जीरा, और जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब उसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, और साथ में डालेंगे हम इसमें हल्दी और नमक। यहाँ पर सिर्फ अभी हम हल्दी और नमक डाल रहे हैं। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे ककोरा, बहुत सी जगहों पर इसे कंटोला भी बोलते हैं। तो इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे चने की दाल, जो हमने आधे घंटे के लिए सोख करके रखी थी। इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसमें हम डालिए ग्रीन चिली, आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रीन चिली डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, और ढक कर अब इसे स्लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहें जिससे सब्जी जो है वो नीचे से लगे ना। तो ये देखिए ककोरे जो हैं वो 70% कुक हो चुके हैं। जब ये 70% कुक हो जाए तब इसमें डालेंगे हम बाकी के मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, और साथ में डाला है लाल मिर्च पाउडर। इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ढक कर इन्हें 5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे जिससे सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिल जाएं। तो हमारी जो ककोरे की सब्जी है वो बनकर तैयार है। अब लास्ट में डालेंगे इसमें हरा धनिया, और हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये सब्जी बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है और उतनी ही हेल्दी होती है। आप इसे लंच बॉक्स, डिनर किसी में भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।